हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं डॉक्टर मोहम्मद तैयब शंजन चाइना में, और आज चाइनीज़ न्यू ईयर है और 10 तारीख है, और 10 से 17 तक 7 छुट्टियां प्रॉपर होती हैं। जैसे ईद का समय होता है ऐसे, ना कोई बंदा ना बंदे की ज़ात होती है, यूनिवर्सिटी में बिल्कुल कोई भी नहीं है। और मैं अभी अपने डिपार्टमेंट में जा रहा हूँ, काम कोई खास नहीं था। काश मैंने कहा फ्रिज़ भी खेलनी है, मैंने कहा फ्रिज़ भी पड़ी है मेरे स्टडी रूम में, और साथ में मैंने जो बैटरी के सैंपल लगाए हुए थे वो देखने हैं। कासम काफ़ी बोर हो गया है अंदर बैठ बैठ के, चाइनीज़ ने बहुत ज़्यादा पढ़ी है रिसेंटली, और बैचलर में है और इसको HSK 4 करना है। तो कासिम, आपको कितनी चाइनीज़ आती है? आप अपने ख्यालात का इजहार करें, अपना तरफ चाइनीज़ में कराएं इनको। मैं अभी चाइनीज़ पढ़ रहा हूँ लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आती, लेकिन सीख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ जितना ज़्यादा हो सके पढ़ूँ। अच्छा अच्छा सो अभी मैं बैटरी चल के दिखाता हूँ आपको। बैटरीज़ का अगर आपकी अच्छी उसकी कैपेसिटी है ना, बैटरी की कैपेसिटी चेक की जाती है, तो बैटरी की कैपेसिटी कैसे पता चलती है? वो जितना चार्ज होते ज़्यादा टाइम ले और डिस्चार्ज होते हुए, तो वो बैटरी अच्छी होती है। तो हमारी शंजन यूनिवर्सिटी में चार्जिंग जो है वो फ्री है, फ्री नहीं है भाई, हम ये जो पार्किंग है ये फ्री है, क्योंकि मैंने यहाँ कैंपस है, काफ़ी सारी स्पेस है, इसलिए फ्री है। तो चार्जिंग भी लगाई जा सकती है, जगह जगह अवेलेबल है। साइकिल्स यहाँ पर नहीं है, मेरी साइकिल उधर पर एक खड़ी है, वापसी पर जाते हुए चलाते हैं। और फ्रिज भी आप आज खेलते हैं, थोड़ा सा दिखाते हैं। डिपार्टमेंट हमारा कोई चाइनीज़ न्यू ईयर ईद डे है, तो देखते हैं कोई बंदा है कि नहीं। अभी हम लिफ्ट में चलते हैं 5th फ्लोर पे। वाह, खुशी की इंतहा नहीं है। कासिम, कुछ कहना चाहेंगे आप? हैप्पी चाइनीज़ न्यू ईयर। सेम चाइनीज़, शिन्यान क्वाइला। शिन्यान क्वाइला चाइनीज़ जब ईद मुबारक जैसे कहते हैं ना, तो इधर जो मिलता है उसको हम कहते हैं शिन्यान क्वाइला। मैं अपनी लैब में आ गया हूँ, और लैब में अभी कोई बंदा ना बंदे की जात है। मैं आपको सैंपल चेक कराता हूँ, दुआ करें ठीक हो काम। ये दो सैंपल बीच से ख़त्म कैसे हो गए? 4-4, अच्छा शायद वो 3-3 डिटेल। और इस तरह हम चेक करते हैं परफॉर्मेंस, 220, 240, 42, और ये है 4.,  ये कैसे सैंपल? अच्छा 4.6 आई थिंक ये सैंपल मेरे ये सैंपल जो थे, बस वीडियो बंद कर। सो गाइस, कासिम अभी उधर गया था, ये साइकिल उठा के लिया है। फ्रिज भी एक ऐसी गेम है जिसमें सबसे कम खर्च होता है, मतलब सिर्फ आपको ये ट्रे चाहिए, ना फुटबॉल इसमें, ना ये गिस्ती है, और ना इसमें कोई और ख़र्चा होता है। सस्ता और मयारी काम है, ये गेम खेलनी चाहिए। तो बाद में आपको बता दूं, मैंने अभी सैंपल जाके देखे तो वो बैटरी के कोई जब यानी उसको तकरीबन 24 या 26 घंटे लगते थे एक दफ़ा चार्ज और डिस्चार्ज होते हुए। तो हुआ यूँ कि बैटरी को 6-7 घंटों, मतलब जो साइकिल थी चार्ज हुई डिस्चार्ज, बहुत ज़्यादा हाई कैपेसिटी थी, वो सडनली ना वो कोई शॉर्ट सर्किट होगी, वो इसी तरह अब ना कोई आउटपुट दे रही ना कुछ, यानी बिल्कुल कैपेसिटी ज़ीरो कर गई। तो मुझे काफ़ी परेशानी हुई, सारा मूड ऊपर का नीचे हो गया, यानी डाउन हो गया। सो रिसर्च में ये काम, ये चीज़ें होती हैं कि अच्छा भला वो सैंपल ऊपर जा रहे थे परफॉर्मेंस में, वो 6 साइकिल्स के बाद वो ख़त्म हो गया। सो जब वो ऊपर जा रहा था तो बड़ी खुशी थी मुझे, यानी बड़ा बड़ा आर्टिकल आएगा। तो फिर मैंने देखा, मैंने फिर वो सैंपल लाइन में लगा दिए ताकि कल जाके मैं दोबारा बनाऊंगा। अभी छुट्टियां हैं तो और कुछ करना नहीं है, कोशिश करूंगा टाइम मिला तो कल आके दोबारा वो सैंपल्स बनाकर मैं दोबारा लगाऊंगा, ताकि सैंपल चेक हो जाएं कि मसला क्या आ रहा था उनको, या नए बनाने पड़ेंगे। तो ये चीज़ है, अभी आप देख सकते हैं ये चंदन यूनिवर्सिटी है। शाम के हो चुके हैं, 6:30 हो गए हैं, ये शाम के 6:30, और यहाँ पर अभी भी लाइट ही है। ये पता नहीं क्या सिस्टम है कि उस दिन मैं रात को भी बाहर निकला तो तकरीबन 11-12 बजे का टाइम, और जो स्काई था वो इसी तरह था, यानी लाइट लाइट, कोई इतना डार्क नहीं था जिस तरह के नॉर्वे में ग्रीन लाइट्स होती हैं। आई थिंक यहाँ पे भी स्काई इतना ब्लैक नहीं होता, कोई सन की ओरिएंटेशन इस तरह की है। बाकी अभी आप देखें, ये इन्होंने कुछ लगाया हुआ, आई थिंक चाइनीज़ न्यू ईयर का बोर्ड शोर्ड। कोई गाड़ी शाड़ी नहीं है, और सन्नाटा है यहाँ पर। अभी कासिम वो जा रहा है कैंटीन की साइड, उधर देखते हैं कैंटीन खुली या नहीं, तो फ्रिज भी खेल के वापस आ जाएंगे हम। ये यूनिवर्सिटी का नया ब्लॉक है, तो आप देखें वैन हुई ऑडिटोरियम, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम वगैरह भी होते रहते हैं, लेकिन ये लाइट जलती है, बड़ा सूथ सा फील होता है, कम्फर्ट सा। और यहाँ पर भी अभी ये देखें लाइट्स लगी, वाह जी वाह, अच्छा फील होता है यहाँ पर आके। और ये देखें आप कितने मज़े की जगह है, आप लोग भी अप्लाई करें, इसमें एडमिशन स्टार्ट है शंजन यूनिवर्सिटी में। और ओवरऑल आपको मैं घुमा के दिखाता हूँ, सामने ये दूसरा यूनिवर्सिटी है उसका, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये है नॉर्थ टाउन फलां फलां लिखा हुआ। यहाँ पे बहुत सारे कैंपसेज हैं, ये भी देख लें आप, ये है वैन थाओ बिल्डिंग। सो मज़े की यूनिवर्सिटी है, खुली है दरवाजे शरवाजे, भाई साहब कैंटीन खुली है। कासिम ने बताया, कासिम मुझे साइकिल पर बिठा के ले चलो, कोई जगह है इसमें? नहीं है जी, जगह नहीं है। आप लोग ये देखें यहाँ पर एड्रेस कर दिया गया, वो
लाइट चल रही है, लाइब्रेरी इधर शशका मतलब यूनिवर्सिटी। भाई साहब कैंटीन खुली हुई है ये देखें जी, और ये चाइनीज नहीं हुई है, चल के चेक करते हैं क्या कुछ मिल रहा है। भाई साहब कासिम ने डिस्कवरी की है, साइकिल पे गए, कैंटीन खुली है, कोई इक्का दुक्का बंदे हैं वो विजिटर्स हैं। वाह जी वाह, अंदर तो अच्छा बड़ा रश है, वो तेरी है पाकिस्तानी है कुछ। ओ बैठेगी, खाना खाएंगे अभी, खाना भी दस्तियाब है भाई साहब। याओ मैं जयशुला क्योंकि ये एंड पे होता है तो ये सारा कुछ डाल के दे देते हैं, खाओ यही करो। भाई साहब इतनी फेवर मिली जाती है तो वो सी फूड है भाई साहब। और ये शिमला भी ये मजे की होती है, गाजर पता नहीं, हाँ एक जगह ये शिमला मिर्च और ओके है के वो मैं भी लेता हूँ, ये मेरा तेरा नहीं पसंद है। ओके कासिम भाई साहब अपनी डिलीवरी, वो चिकन है, हाँ वो चिकन है, ये चिकन है, मैं हाँ है गई था भाई साहब। ये पहली दफ़ा खाए हैं श्रीम, बड़े मज़े के होते हैं, कुरकुरे से होते हैं। फिर ये गोश्त है, वाह जो है शिमला मिर्च पकी हुई है, ये होता है फिर मज़े की है, मैं इसका नाम नहीं जाता। ये सब्जा भी कासिम खाएगा, ये इसको इधर पालक कहते हैं, ये कहते हैं शमसाए श्या में चिका चिका चाइनीज आनी चाहिए कासिम आपको, चिका जीरो यारो ओके 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 है गई वो, ये बतख है भाई साहब खाना ओके है गई वो ईफ यारो। और कासिम भाई गया है बोतल से तो लेने, कासिम में सप्राइट ओए सिंपल जायके वाली लागे सप्राइट ओके। सो अभी हम पे करेंगे, यूनिवर्सिटी का कार्ड होता है उसमें रुपये भी आते हैं। ची भैया भाई साहब 49 रुपये की रोटी, इतनी महंगी इस कार्ड से हम स्वाइप, 2000 रुपये की भाई चमक चमक कोई ना भाई साहब उसने कहा करके ओके ओके आ जाओ जी। भाई साहब ये दो ट्रे जो हैं ये 50 RMB के पाकिस्तानी, 5 × 20 2000 के, उसमें डक भी है, ये शिमला मिर्च की एक सब्जी है, ये फलियाँ सी हैं और वो श्रीम है। सो ऑल टुगेदर है तो कम मज़े का, लेकिन ओवरऑल महंगा है। अगर आप घर में पकाएं शेंजन के लिहाज से तो सस्ता पड़ता है, यहाँ पे काम महंगा। कासिम क्या ख्याल है, कंपेयर टू नैनजिंग महंगा सस्ता काम? महंगा एक्सपेंसिव। नैनजिंग टेक में आपको क्या कोई एक टाइम का खाना कितने का पड़ जाता है इस तरह का? इधर वैरायटी काफ़ी है, डक है और श्रिंप वगैरह, मतलब मुस्लिम जो कैंटीन है वहाँ पर 10 RMB में आप अच्छा खा सकते हैं। और ये हमने 2 50 RMB में लिए, बहरहाल खाने भी 1 2 3 4 खाने, तो यूजली बंदे 2 से 3 खाने, 1 2 3 4 खाने, तो इसलिए महंगे हैं। बहरहाल यूनिवर्सिटी खुली हुई है क्योंकि बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है, फॉरन स्टूडेंट हैं। बहरहाल ये खाना खा के एक फ़ायदा ये होता है कि आपकी सेहत ओवरऑल अच्छी रहती है, वज़न ज़्यादा नहीं बढ़ता बकौल कासिम के। यस क्योंकि मैं भी जब जिस अरसे में यहाँ से खाता रहा, घर में नहीं कुक करता था तो सेहत ठीक रहती थी, वज़न मेनटेन रहता था, क्योंकि इतना मसालेदार जायकेदार खाना नहीं है जिसकी वजह से कि कोई सेहत, मज़ेदार बहुत खाना होगा आदमी ज़्यादा खाएगा पेट भर भर के तो ओबियसली सेहत ख़राब हो जाती है। सो ये ठीक रहता है खाना कैंटीन का, लेकिन महंगा पड़ता था, लेकिन नैनजिंग में सस्ता था। ये थोड़ी सी सब्सिडी भी देते हैं जो जहाँ पे जॉब करते हैं उनको, यानी हमें 400 RMB दिया जाता है, 10 दिन ही निकलते हैं मार के, लेकिन सब्सिडी होती है वो 400 RMB। इधर कोई दुकान से भी हम खाना चाहें वो भी उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये चाइनीज न्यू ईयर का इन्होंने कुछ वेलकम रखा हुआ है गिफ्ट से, इधर भी टेबल पर इन्होंने ये रखे हुए। ये जो श्रिम्स हैं ये चाइना में मैंने पहली दफ़ा आके खाए थे, इसका ये हेड नहीं खाते लेकिन सिर्फ ये जो बाकी कर्व हिस्सा होता है ये खाते हैं, मज़े का होता है। मैं आपको खा के दिखाता हूँ, ये आई थिंक इसका टूटा हुआ है, ये इन्हें क्यों इसकी दुम वगैरह, बाद लोग इसका छिलका खा देते हैं लेकिन बाद इसी तरह खा, और ये इसकी दुम होती है, ये भी खाना चाहिए खा सकते हैं, कुरकुरा खाता है। कासिम तुम खा के दिखाओ। मैं इसका जो छिलका है ना वो उतार के खाऊं, बाल श्रिम जो है सख्त होते हैं उनका उतारना पड़ता है, ये नरम सा है। कासिम अभी आपको खा के दिखाएगा ये श्रिम कैसे खाते हैं, ये गंदे करने पड़ते हैं लेकिन नहीं, ये खोए से इस्तेमाल करने आते हों तो फिर नहीं होते, पूरा साफ निकाल दिया। हो क्या बात है कासिम साहब आपकी, वाह जी वाह। और अगर आपने रेड मीट खाना हो लेकिन हो वो किसी परिंदे का, तो आप डक मीट खाएं, क्योंकि चिकन का तो वाइट होता है इसलिए डक खाएं ना, तो डक का रेड होता है, ये डक का पता ऐसे लगता है जैसे किसी देग में पकाओ, बड़ा मज़े का ऐसे ना बकरे के गोश्त की तरह फील आती है, इसमें रेड मीट होता है, ये बहुत ज़बरदस्त कुक करते हैं चाइनीज। कासिम तुम्हें कैसे लगा ये डक मीट? अच्छा था। हम लोग जो सालन होता है किसी भी खाने के साथ वो भी खा लेते हैं चावल के साथ, चाइनीज़ लोग नहीं खाते, चाइनीज़ लोग सिर्फ इसमें से गोश्त खाते हैं, वो समझते हैं कि ये जो गोश्त होता है ये मसाला या सालन उसको टेस्ट देता है, ठीक है आप खट्टा बनाना चाहें खट्टा टेस्ट दे सकते हैं, मीठा जाएं तो मीठा, लेकिन ये है कि वो इसको नहीं खाते, ये जो शोरबा होता है। और ये आप देख सकते हैं अदरक
सो गाइस अभी हम खा पी के वापस आ गए, मैंने बाइक पे देखें जी कितनी लाइटें हाइटें लगी हैं, तो उसके बाद अभी हम वापस चलते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मजीद बातें बताएंगे, चीज़ें बताएंगे, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब लाजमी करना, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें फायदे बता रहा हूँ। आज मैंने आपको बैटरी सिखाई है, नेक्स्ट टाइम आपको और हाँ काम की बात स्कॉलरशिप लाजमी अप्लाई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय।